अभी चल रहे किसान आंदोलन के बारे में तो आप सभी को कुछ ना कुछ तो ज्ञात होगा ही। कोई कहता है पुलिस गलत है, कोई कहता है सरकार गलत है, कोई कहता है किसान गलत है, तो कोई कुछ कोई कुछ। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी बहुत टाइम से सुन रहे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ वही लोग बने रहे जो कि किसी एक साइड को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं कर रहे, ना ही फार्मर्स की साइड को, ना ही गवर्नमेंट को, ना ही पुलिस को, और ना ही किसी फोर्थ पर्सन। तो अगर आप उसमें से हैं जो एक न्यूट्रल चीज जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या चल रही है, तो ही आप इस वीडियो के अंदर बने रहें, वरना आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा ऑफेंड होने वाले। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसान के पक्ष की। किसान की डिमांड्स वही हैं जो 2020-2021 के टाइम पर जो डिमांड्स थी, बस वही डिमांड्स हैं किसान की वापस से। उस टाइम जो 3 फार्म लॉज आए थे उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट चल रहा था। उस प्रोटेस्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा उसमें हल्ला हुआ, फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा चोटें आई, पुलिस को भी चोटें आई, देश के अंदर पूरा आतंकवादी टाइप का सा माहौल बन गया था। अब वो सब बंद कब हुआ? जब गवर्नमेंट ने पब्लिकली ये अनाउंस करा, मोदी जी ने खुद आके ये अनाउंस करा कि हम वो 3 फार्म लॉज को रिपेल कर देते हैं, हम उसको नहीं लागू करेंगे, उसके बाद सब अपने घर को हो लिया। अब वापस से वो चीज़ें पलट कर आ चुकी हैं और 90% डिमांड्स वही हैं। उसके अंदर एक डिमांड और बढ़ी है कि वो जो उस प्रोटेस्ट में जिन लोगों को आप लोगों ने जेल में डाला था उनके सारे केस आप वापस कर लो, जिसमें से 90% केस ऑलरेडी वापस हो चुके हैं। अब इसमें से बहुत सारी डिमांड्स हैं, इनकी करीब 13 डिमांड्स हैं जितनी मैंने लिस्ट डाउन कर पाया हूँ। इसमें से जो मेन मोटी मोटी डिमांड्स है, जिसके पीछे मेन बवाल है, उसकी बात करते हैं, बाकी ज़्यादा लंबी बात हम इसमें करें। पहली बात है MSP, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब गवर्नमेंट ने MSP डिसाइड कर रखा है 23 फसलों के लिए, 23 क्रॉप्स के लिए। 1 किलो की खेती है, 1 किलो की खेती मेरी 50 रुपये की बनती है, लेकिन जो बाहर के जब मैं मंडी में बेचने जाता हूँ तो वो मेरी उस फसल के 20 या 30 रुपये लगाते हैं, तो मेरा तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि मेरी लागत भी है, सब कुछ है। तो MSP क्या बोल रहा है कि तुम्हारे कितनी भी कुछ भी हो, हम तुम्हारा जो अनाज है वो इस रेट पे खरीद लेंगे। अगर आपके 50 रुपये में आप बेचते हो तो हम 50 में उसको खरीद लेंगे, फिर मार्केट में प्राइस उसका 10 हो 20 हो या 1 रुपया भी ना हो, हमको उस बात से कोई मतलब। अब जो 2020-21 में इसकी बात हुई थी तो कुछ लोगों ने ऐसा नेरेटिव सेट करा था कि ये जो है इससे, इस बिल के आने से MSP ख़त्म हो जाएगा, जो कि बाद में झूठ निकला था, लेकिन अभी भी लोग इस बात से एग्री करेंगे। MS स्वामीनाथन कमीशन ऑफ 2006 के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर पेज है जिसमें लिखा हुआ है कि फार्मर्स को क्या क्या लाना चाहिए और फार्मर्स लॉ में क्या क्या होना चाहिए। उसमें MSP की बात हुई है, जो कि मिनिमम रेट से, जो कि एक फिक्स रेट है, जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, वैसे ही यहाँ पे भी बेस अमाउंट का 50% अबव पे सरकार को खरीदना चाहिए। इसमें कुछ ऐसी डिमांड्स भी हैं जैसे कि फार्मर्स के जो पेंशन हैं, जो कि 60 साल से ऊपर के फार्मर्स हैं, उनको पेंशन प्रोवाइड करवाई जाए। इसमें से कुछ ऐसी डिमांड्स भी हैं कि भाई जिनकी भी लोन है ऑलरेडी फार्मर्स के, उनके लोन भी वेव ऑफ कर दिए जाए। और इसमें ये भी है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो उससे भी इंडिया अपने आप को विड्रॉ कर। और सब्सिडीज़ के रिगार्डिंग भी काफ़ी इसमें डिमांड्स हैं, लेकिन मोटी मोटी ये MSP वाली थी। जो MSP का अमाउंट है वो 50% अबव द बेस प्राइस है, और लोन का अमाउंट है 4% इंटरेस्ट रेट, जो कि बैंक के इंटरेस्ट रेट का ऑलमोस्ट 50% है, क्योंकि बैंक आपको 8-10% का इंटरेस्ट रेट देता ही देता है। अब एक तरीके से सोचा जाए तो ये सारी डिमांड्स तो सही हैं, भाई सीधी सी बात है, जो किसान का जो बिजनेस है, एक तरीके का बिजनेस ही तो है, वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। कब बारिश हो जाए, कब सूखा पड़ जाए, कब फसलें बने ना बने, कुछ भी नेचुरल कैलमिटी हो सकती है, फसल ख़राब हो सकती है, खाद बेकार हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, तो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल सा बिजनेस है। किसान की डिमांड्स माननी चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए, इस चीज़ में कोई भी दो राय नहीं है। ये तो पहला पक्ष हो गया, जो कि एक तरीके से बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहा है कि चलो ठीक है, फार्मर्स की कुछ डिमांड है, गवर्नमेंट को उसको मानना चाहिए, तो गवर्नमेंट उसमें कुछ आनाकानी कर रही है, तो फार्मर्स उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस उनको गलत तरीके से रोक रही है। अभी तक का सीन ये है। अब बात करते हैं दूसरा। एक रिपोर्ट के हिसाब से जितने भी एग्रीकल्चरल एरिया में जो रहते हैं, मतलब फार्मर्स जो हैं बेसिकली, उनका 50% ऑफ इनकम जो है सिर्फ और सिर्फ खाने पीने में चला जाता, कपड़ा मकान वगैरह तो कुछ इंक्लूड ही नहीं हुआ, एजुकेशन भी इंक्लूड नहीं हुआ। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये सिर्फ फार्मर्स की बात नहीं है, इंडिया में बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी है जिसका हाल कुछ ऐसा ही है। लगभग जो आपको लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास वाली रेंज में मिलेंगे उनके साथ यही होता है,
कि उनके घर की 50% इनकम जो है वो खाने पीने में ही चली जाती है। काफ़ी लोग उसको ये भी बोल रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। अब पॉलिटिकल एजेंडा वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी टर्म है। खुद के फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हो आप, किसी पार्टी के फ़ायदे के लिए कर रहे हो, और ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तो अब जो पक्ष ये स्टेटमेंट कह रहा है, इतनी बड़ी बात कह रहा है, तो उसका कुछ बेसिस है या नहीं है, उस बेसिस की अब बात करते हैं। तो मैंने मोटे मोटे 5 पॉइंट्स निकाले हैं, उस पॉइंट्स को मैं वीडियोस के थ्रू भी आपको दिखा दूंगा। कुछ ऐसी डिमांड सामने आई जो कि बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल्स थी, और ये तभी सामने आई जब पत्रकार ने ग्राउंड पे जाके लोगों का इंटरव्यू लिया, और उसमें से एक कुछ अनयूजुअल डिमांड ये निकली कि नीलम आज़ाद को रिहा कर दिया जाए। नीलम आज़ाद जो पार्लियामेंट गई थी वो बेटी और उसके साथ 4-5 और थे, उनको तुरंत रिहा करे केंद्र से। नीलम आज़ाद कौन है भाई? नीलम आज़ाद वही औरत है, 2023 में पार्लियामेंट में उन्होंने जाके हल्ला मचाया था, उस दिन मचाया था जब पार्लियामेंट पे पहले अटैक हुआ था, उस दिन सेम डे वहाँ पे उसकी एक तरीके से वही डेट थी जब वहाँ पर पहले अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे, उस दिन जाके वापस से पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया। वो कलरफुल बॉम्ब जाके वहाँ पर मारे, खुद ने भी मारे और उनके 2-3 साथी ने भी मारे। उस केस में उनको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक करा था। वो न्यूज़ में भी काफ़ी आया था जब ऐसे खिड़की से कूद गए थे कुछ लोग, फिर सब लोगों ने मिलकर कुछ लोगों को पकड़ लिया था, बीच में ऐसी न्यूज़ आई थी। अब कुछ फार्मर्स ऐसी डिमांड कर रहे हैं कि आप उसको रिहा कर दीजिए। ये डिमांड अनयूजुअल है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। जगह पे ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहाँ पे किसानों के हाथ में आईफोन है, महंगी महंगी बोलेरो स्कॉर्पियो हैं जिसके पीछे बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम लगे हुए हैं 2-2-3-3 लाख रुपए के। तो इससे भी लोगों के मन में काफ़ी शंका आ रही है कि ये कौन से किसान हैं जिनको सब्सिडी चाहिए या जिनको पैसे चाहिए गवर्नमेंट से, जो खुद इतने महंगी महंगी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, जो खुद कहते हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि हम तो भाई एक महीने का राशन पानी डीजल सब लेके आए हैं। तो ये कहाँ से आया? अगर आप इतने गरीब हैं तो आपके पास ये चीज़ें उपलब्ध कहाँ से हुई? तीसरा, फार्मर लीडर्स का जो बयान है वो, जैसे कि जगजीत सिंह दलेवाल की ये स्टेटमेंट है कि जो मोदी का ग्राफ है उसको नीचे लाना पड़ेगा। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो इहदा ग्राफ डाउन किवें आ सकदा है। मैं बहुत बारी जदों मैं पिंडां दे विच तैयारियां करवांदा फिरदा सी, बहुत बारी लोकां नूं इह कहिंदा सी कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ उहदा बड़ा उच्चा चढ़ जाएगा, दिन साढ़े को थोड़े है की असि इन्हें थोड़े दिनों दे विच ग्राफ इहदा डाउन कर लांगे। काफ़ी लोग उसको पॉलिटिकल एजेंडा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पंजाब में आप है, और जितने भी एक किसान हैं वो 90% लगभग 80-90% पंजाब के हैं, और कुछ परसेंट आपको हरियाणा के मिल जाएंगे। जो पंजाब है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, और ईडी ने 19 फरवरी को केजरीवाल को नोटिस भेजा है कि आपसे पूछताछ करी जाएगी बाय दी ईडी, और तभी ये चीज़ें हो जाती हैं उसी के आसपास। तो काफ़ी लोगों को ये भी शंका है कि भाई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जनता को ये चीज़ करी जा रही होगी। पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है कि ऐसी कुछ वीडियो सामने आई हैं जहाँ पे फार्मर्स खुद कह रहे हैं कि हमको खालिस्तान चाहिए, हम ये जो प्रोटेस्ट हैं ये खालिस्तान बनाने के लिए कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हमें बता दीजिए, हम पाकिस्तान चले जाएंगे। ਵੀਰੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਸਾਂਭਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਅਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨੋ ਕੀ ਹਮ ਤੋ ਹਮ ਹਮਾਰੀ ਤੋ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਾਦਰੀ ਸੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਮ ਲੋਕ ਇਨ ਲੋਕੋ ਕੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸੇ, 90% ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, और राजकोट कर रहे हैं हमारे पास जो देश के गद्दार हैं, और इंडियन फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करते हुए भी कुछ वीडियोस सामने आई है। तो ये सब देख के तो एक तरह से ये भी लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि पॉलिटिकल एजेंडा लेके आए हैं। बैठो बैठो, अरे भैया दो और है, और अगर 100 लोग हैं उसमें से 2-3 लोग है भी ऐसे, तो ज़रूरी नहीं कि बाकी के 95% लोग भी ऐसे ही हों। लेकिन जब ऐसी वीडियो सामने आती हैं तो एज अ ऑडियंस मैं देखूं तो मेरे मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये डिमांड्स वैलिड हैं
लॉजिकली सोचते हैं, कैलकुलेट करते हैं कितनी वैलिड है और कितनी नहीं। हमारे इंडिया में 14.5 करोड़ किसान है, मतलब 14.5 करोड़ किसान है। एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, उनकी एक डिमांड ये भी है कि 200 दिनों तक 700 रुपए की दिहाड़ी दी जाए फार्मर्स को। तो 14.5 करोड़ इनटू 700 रुपीस एंड इनटू 200 डेज, इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम आता है वो आता है 20,30,000 करोड़, मतलब कि ऑलमोस्ट मोर देन 20 लाख करोड़। दूसरा आता है कि 60 साल से ऊपर वाले लोगों को 10,000 रुपये महीने की पेंशन दी जाए। इतने मैंने आपको 14.5 करोड़ किसान बताया, अगर उसमें से करीब करीब 10-10% जो हैं ऐसे हैं जो कि 60 साल से ऊपर हैं, वो करीब करीब बनते हैं 1.5 करोड़ किसान। तो अगर 1.5 करोड़ को 10,000 रुपये महीने की पेंशन दी जाए तो वो बनता है 1.5 लाख करोड़, कुल मिला के 31.5 के आसपास बनता है, या फिर 32 मान लेते हैं मोटा मोटा। हमारे 23-24 के बजट का ऑलमोस्ट 70% है, क्योंकि हमारा जो बजट था वो 40 लाख करोड़ का था, और इनकी जो डिमांड्स है अगर उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 32 लाख के आसपास बैठता है। तो ये ऑलमोस्ट 70% बैठता है। तो क्या 70% ऑफ द बजट एक सेक्टर को दिया जाना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो बाकी सेक्टर का बजट कम होगा, और अगर बाकी सेक्टर का बजट कम होगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट कम होगा, और अगर डेवलपमेंट तो कम होगा नहीं, तो डेवलपमेंट को वापस से अपने सही ग्रोथ पे लाने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स पेयर के पैसे से आएंगे। तो क्या होगा? चीज़ें महंगी होगी, GST और लगेगा, फिर लोग बोलेंगे कि भाई तुमने GST बढ़ा दिया। इमोशनली अगर हम देखें तो ये बातें बिल्कुल सटीक बैठती है कि भाई डिमांड्स पूरी होनी चाहिए, सबको जीने का हक है, सबको अपना रोजगार चाहिए, सबको पैसे चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन वो डिमांड कितनी वैलिड है, वो पॉसिबल है भी या नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना उनको। अगर वो पॉसिबल ही नहीं होगी तो कौन क्या करेगा? और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ BJP के मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है, आपके मैनिफेस्टो में भी है, और 1960 से ये चीज़ चलती आ रही है। 1960 में MSP लागू हुआ था, तब से ये चीज़ चलती आ रही है। हर पार्टी इसके बारे में बात करती है, इन फार्मूलाज के बारे में बात करती है, लेकिन कोई इसको अप्लाई नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्या है इसमें ऐसा? बल्कि राहुल गांधी कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम फार्म लॉ जो है अप्लाई कर देंगे, तुम्हारे MSP वगैरह सब कर देंगे। भाई तुम कहाँ से कर दोगे? कहाँ से ले आओगे पैसा? तुम बता दो ज़रा। अशोक गुलाटी जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, उनके हिसाब से पंजाब में किसानों को 8,000 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मिलती है, $665 मिलियन की फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती है। पंजाब में हर किसान को एज अ सब्सिडी $1,626, मतलब कि $1,626 दिए जाते हैं, जो कि भारत की पर कैपिटा इनकम 2410 के ऑलमोस्ट बराबर है, मतलब 1600 और 2400। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में स्पेंड किया जा रहा है, इससे ज़्यादा क्या स्पेंड करना चाहिए? और अगर इतना स्पेंड करना चाहिए तो जो लोग कह रहे हैं कि हाँ जी सारी बातें मान लो, जय जवान जय किसान, हम भी मानते हैं जय जवान जय किसान में, तो क्या आप उस अमाउंट को फिल करने के लिए 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये की खरीद सकते हो? ये बिल जब 2020-21 में आया था तब इसको महाराष्ट्र और आंध्रा के किसानों ने सपोर्ट करा था, जबकि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इसका सपोर्ट नहीं किया। तो फार्मर्स को जाके वहाँ पे हल्ला करना चाहिए इस तरीके से कि कोई भी इससे परेशान हो, कोई भी नॉर्मल जनता इससे परेशान हो, उसकी दिनचर्या में दिक्कत आए। या पुलिस को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी फार्मर को, जो भी बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है, चाहे वो फार्मर है चाहे वो कोई भी है, उसको किसी भी तरीके की हानि ना हो, उसको फिजिकल डैमेज ना हो। ये जब दोनों पार्टीज आमने सामने बैठ के बात करेंगी तभी ये सॉर्ट होगा। और ऑलरेडी 4 बैठक इनकी हो चुकी है, आई थिंक 4थी आज ही है, तो उस बैठक के अंदर भी आई थिंक 13 में से 10 डिमांड पे ऑलरेडी बात हो चुकी है जिसको मान लिया जाएगा। 3 डिमांड अभी भी जो है थोड़ा सा लटक ही रही है, बल्कि टकैत ने तो मीटिंग से पहले ही ये कह दिया था कि हम 21 तारीख को बड़ा ऐलान करने वाले हैं, बड़ा कुछ करेंगे। तो आपने तो मीटिंग से पहले जस्टिफाई कर दिया, आपने तो मीटिंग से पहले फाइनल कर दिया कि हम 21 तारीख को ये करेंगे, 21 तारीख को वो करेंगे। तो उसका मतलब आपका मन ही नहीं है ना कुछ डिसाइड करने का, आप पहले ही सोच के बैठे हो कि हम तो बवाल करेंगे। ये जो प्रोटेस्ट है ये इलेक्शंस की तरफ भी एक तरीके से पॉइंट आउट करता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, लेकिन लोगों को बोल बोल के, पुलिस को बोल के, या फिर किसानों को बोल के उकसाना,
और एक हेटरेट का एक तरीके से माहौल बनाना, ये चीज़ हमारे खिलाफ ही जाएगी।